किसी बड़े बिजनेसमैन ने कहा है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो चला जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे पाने की काबिलियत है मेरे पास और इसी काबिलियत के दम पर मैं ये सब फिर से वापस खड़ा कर सकता हूँ। अब कुछ छीना जा सकता है पर तेरी काबिलियत कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों 2009 में एक मूवी आई थी थ्री इडियट, जिसमें एक डायलॉग था, दोस्त काबिल बन कामयाबी साली झक मार के आएगी। अगर डीपली इसके बारे में सोचोगे तभी इसके बारे में समझ पाओगे। दोस्तों कामयाबी हम तक नहीं आती, कामयाबी तक हमको चल के जाना पड़ता है और इसका एकमात्र रास्ता है काबिलियत। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनमें काबिलियत तो बहुत है पर उसे यूज नहीं करते, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, तो उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि सक्सेस हमें तब मिलेगी जब हम उसके लिए कुछ करेंगे। कभी कभी लक की वजह से कुछ चीज़ें मिल भी जाती हैं पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। मेहनत से मिली चीज़ सीढ़ी की तरह होती है जिसमें आप ऊपर चढ़ते हो और सेफ रहते हो, जबकि लक के वजह से मिली चीज़ छलांग की तरह होती है जिसमें आप गिर भी सकते हो। तो हमेशा सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ें और हाँ, हमेशा चढ़ते समय ध्यान रखें जो रास्ते में मिले उनसे प्यार से रहें, क्योंकि नीचे गिरते वक्त वे रास्ते में ही होंगे। ये सब जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में अरबपति बने, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वे 5 साल से ही अपनी काबिलियत पर काम करने शुरू कर दिए थे। 18 साल लगातार दिन रात काम करने का नतीजा ही फेसबुक है। दोस्तों सक्सेस कोई एक रात में मिलने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए सालों की मेहनत होती है। और हाँ, ये सोसाइटी भी इंसान को रिस्पेक्ट उसकी काबिलियत पर ही देती है। आज एलन मस्क की बात सब कर रहे हैं क्योंकि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, लेकिन जब उनके पास कुछ नहीं था तो उनके माँ बाप ने भी उनको घर से निकाल दिया था। फिर ये बंदा खुद से ही पूरी रॉकेट साइंस पढ़ के नासा को टक्कर देने लगा, फिर ये टेस्ला जैसे एम्पायर खड़ी कर दी। दोस्तों ये तो कॉमन सेंस है, जब तक इनपुट दोगे नहीं तो आउटपुट कैसे पाओगे। इसलिए पहले खुद को सुधारो और अपने आप को उस लायक बनाओ और फिर उसको पाने की कोशिश करो। देखना कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी, बिकॉज यू आर द वन हु कैन डू इट। थैंक यू।